की नेशनलिस्ट हब सब्सक्राइब को सब, अभी जो हिंदू राष्ट्र का सपना है हिंदू राष्ट्र का सपना आपका दादाजी का सपना है वो एंड आप जो अभी थोड़ा हिंदू राष्ट्र का माहौल तो देख रहे हैं अभी थोड़ा शुरू हुआ है शायद आई यू थिंक आपके भर uh, in, in if, if, क्या है, क्या है हमारे लिए हिंदू राष्ट्र ये है कि हमारे जो मंदिर हैं जिन्हें समाप्त कर दिया गया उसे पुनर्निर्वाचन करना मतलब उस चीज़ को पहले बनाना अगर एक राजा किसी घर में राज्य करता था हमने दंतेश्वरी मंदिर पहले बनाया उसके बाद राजमहल बनाया पहले मंदिर बना देवस्थानम बने उसके बाद राजमहल बना तो पहले उस जनता को समा समस्या दी गई जनता को घर दिया गया जनता को सब कुछ दिया गया उसके बाद राजमहल बनाए गए अच्छा तो हिंदू राष्ट्र क्या होगा हिंदू राष्ट्र ये नहीं कि हम मुसलमानों को भगा देंगे इस देश से नहीं ये आप किसी से भी पूछ लीजिएगा हमारा ये राष्ट्र कि हिंदू राष्ट्र मतलब ये है कि ये हिंदू पद्धति से चलने वाला है आज अफगान जाएंगे वहाँ बोलते हिंदुस्तान के लोग आए क्योंकि हम हिंदुस्तान के लोग हैं हम लोगों ने हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा सपना रहा है हम गौरव क्यों लेते हैं क्योंकि हमने उस समय साइंस खोजा जिस समय साइंस लिखना नहीं आता था हमारे शास्त्र में वो वो ज्ञान है जो आज हम दिखाना चाह रहे हैं ए टेक्नोलॉजी शायद उस समय आ गई थी जिस समय आप महाभारत अगर आप पढ़े होंगे या आप देखे होंगे तो बचपन में आप देखे होंगे तो ये सब चीज़ें कब थी उस समय थी मगर अब हम उसको छुपा दिया गया या उसको डाइवर्ट कर दिया गया तो आज हमें बहुत ज़रूरी है ये देखना कि हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं एक भारत देश में रहते हैं और इसका गौरव होना चाहिए हमें और इस माता को बचाने के लिए माँ को ना बहुत क्लियर है हमने भारत माता क्यों बोला भारत पिता क्यों नहीं बोला भारत माता है ना पिता क्यों भारत माता इसलिए है, हम उसको सींचते हैं राइट बैला गाड़ी ले करके सींचते हैं उसमें धान उगाते हैं उगता है उसको खाते हैं वही माँ होती है जो अपने पेट में बच्चे को रखती दर्द देता है उसको निकालती है उसको पालते हैं उसको बड़ा करते हैं उस भारत की जगजननी है वो यहीं से ही हम उत्पन्न होते हैं वहीं विलीन हो जाते हैं उसकी रक्षा के लिए हम इसे भारत कहते हैं ये हमारा गौरव है इस मिट्टी में हमारा गौरव लोगों ने इस मिट्टी को मुग़लों के हाथ में नहीं जाने दिया उस शहादत दी ये हम जमीन का टुकड़ा नहीं हमारे लिए हमारी गौरव है इस मिट्टी को हम चरण बना के पीते हैं बस्तर में आप जाएंगे तो राजा को पहले मिट्टी से तिलक करते हैं कि भाई हमारा राजा का मिट्टी है तो ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि हम उसी जगत जननी में रहते हैं जिसको हम हर दिन पीढ़ा देते हैं खेती तो हमारे साल करते हैं कोई दो महीने में कोई तीन महीने में कोई खेती डेली करता भी होगा जो फार्मर सबसे अच्छा होगा टेक्नोलॉजी वाइज बट आखिरी में वो धरती कभी रोती नहीं है क्योंकि वो माँ है माँ अपने बच्चों को दुख के समय या सुख के समय हमेशा साथ देती है इसलिए भारत हमारी जगजननी है इसलिए हम भारत भूमि को प्रणाम करते हैं इसलिए भारत माता कहते हैं क्योंकि हम इसी से आए हैं और इसी में ही विलीन होना है बाकी के लिए टुकड़ा होगा बट हमारे लिए तो ये गौरव है कि भाई इसके लिए बड़े पूरे देश को आप देख आज ऐसे नहीं पता काकतीय राज्य नहीं इतने सारे राज्य रहे साउथ से कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर तक सब राजाओं ने एक एक कॉन्ट्रीब्यूशन दिया क्यों दिया इसलिए नहीं दिया कि उनके पैलेस भर गए इसलिए दिया कि जनता को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमारी मातृभूमि को कोई टुकड़ा ना समझे ये भारत कोई टुकड़ा नहीं है ये भारत हमारा गौरव है ये इतिहास है जिसे खून से सींचा गया और ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ किताब ले करके लोग गए वहाँ किताब रह गई और जमीन किसी और देश का हो तो गया तो दैट इज द उदाहरण ऑफ द भारत भारत राष्ट्र हमारे लिए एक गौरव का विषय है और साथ साथ एक और चीज जोड़ना चाहता हूँ कि विनोद जी को जब भी मैं देखता हूँ ये हमेशा रूटेड है जब भी मेरे को मिलते हैं क्वेश्चन ऐसा फ्रेंड मैं बोल रहा हूँ कि तेलुगु सीखा करो क्योंकि आप यहाँ क्या हो तो मैं ट्यूशन लू क्योंकि हमें एक देश में ऐसी भाषा होनी चाहिए जो हम एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हम क्यों बोलते हैं हिंदू है, हिंदू हैं हिंदू राष्ट्र होना इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे भाषाओं को सम्मान नहीं देते तेलुगु इज़ वन ऑफ द ब्यूटीफुल लैंग्वेजेज इन द वर्ल्ड ये मैं नहीं बोलता ये तो रिसर्चर्स ने बोला है Correct. कि सबसे मीठी भाषा कोई है तो तेलुगु भाषा है हम उसका सम्मान करते हैं मगर हमें राम भगवान को हम अलग नाम से यहाँ बोले रामा बुला लें वहाँ राम बुला लें और मगर जब हिंदू राष्ट्र की पूरी संकल्पना अपन करते हैं जैसा आप बोल रहे हैं कि भारत हम क्या गौरव करना चाहते हैं कि भारत में ही इतना क्योंकि यही भारत देश है जिसके तंत्र भी किए जाते हैं जिसमें मंत्रों से भी भगवान खुश होते हैं जिसमें हवा से भी भगवान खुश हो जाते हैं जिसमें हम पानी दे करके सूर्य को भी खुश कर देते हैं और जिसमें जब विनीनीकरण हो जब हम मर जाएं, तो उसके कीटाणु भी किसी के पास नहीं जाते उसको भस्म भी हम पानी में दे देते हैं ये भारत देश की संस्कृति है जो इसको अगर अंदर से सोचे तो ही आपको समझ में आएगा कि भारत देश है उसके अंदर कोई जाता ही नहीं हम तो सिर्फ व्हाट्सएप फेसबुक और ये अजीब अजीब से सेक्युलर मैसेजेस में हम ध्यान देते, देते हैं देर आर लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज टू टीचर्स लैंग्वेज एंड रिलीजन बट यू नीड टू थिंक हम इंसान हैं जानवर नहीं हम दूसरे को इंसान के रूप से देखें यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है हम एक पार्टी है जो कि कार्डर बेस्ड पार्टी है हम ऐसे पार्टी हैं जो डिस्कशन करके एक निर्णय पे आते हैं चाहे विनोद जी की टिकट भी होगी ना तो मुझे लगता है कि केंद्र में बहुत लोग बैठे होंगे इनकी टिकट के ऊपर विश्लेषण करने के तब टिकट मिली होगी ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है ऐसा नहीं है कि आप इसके बेटे हो तो मिल जाएगी उसके बेटे हो तो मिल जाएगी ये भारतीय जनता पार्टी है और मैं भी टिकट ला सकता मैं मैंने टिकट मांगा नहीं मेरे को सेवा करनी मैं भारत देश की सेवा करना चाहता हूँ अपने कभी मंत्री पद नहीं आप भी बोलते हैं मेरे को क्यों नहीं लेते मैं मैं सेवा के भाव से आया हूँ मेरे को कुछ नहीं चाहिए इस देश की सेवा हो जाए हमारे आदिवासी समाज जिस क्षेत्र में मैं रहता तो हूँ हमारे आदिवासी समाज का नेतृत्व तो रहे और उनकी सुरक्षा उनकी महिलाओं की सुरक्षा उनकी जितने भी मेन बेसिक नीड्स पूरी हो जाए उसके लिए हम लड़ते हैं ये वीडियो मैं नचन टेक्त लाइक चेहरी पद मंद शेर ची अला कामेंट रूप मेंभिप्राय तो पंच నేషనల్ స్టబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ఛానల్స్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని తెలుగు నాట జాతీయవాద జర్నలిజాన్ని ప్రోత్సహించండి ఈ వీడియో కింద ఉన్న బెలైకన్ పై క్లిక్ చేయడం మర్చిపోవచ్చు